स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारे पास स्पर्म का डायग्राम। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, हमने स्ट्रक्चर को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है स्पर्म के, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल रीजन। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है वो है हेड रीजन। स्पर्म के हेड रीजन के अंदर दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में एक तो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये वही पार्ट है न्यूक्लियस जो कि भाई क्या करेगा, जाके फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और बनाएगा जाइगोट। स्पर्म के न्यूक्लियस के ऊपर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है या एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एक्रोसोम। ठीक है, इस एक्रोसोम का काम क्या है, इस एक्रोसोम का काम होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, ठीक है, तो उसमें एक्रोसोम ही स्पर्म को भीतर ले जाने का काम करेगा, न्यूक्लियस को भीतर ले जाने का काम करवाएगा। ठीक है, तो एक्रोसोम का काम क्या होता है, ड्रिलिंग का काम होता है इसका। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो हेड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है स्पर्म का वो है नेक। नेक रीजन होता है ये वाला रीजन, नेक रीजन है ये वाला रीजन, न्यूक्लियस से नीचे वाला रीजन और मिडल पीस से पहले वाला रीजन, इसको बोलते हैं नेक रीजन। अच्छा, नेक रीजन के अंदर होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट। नेक रीजन के अंदर होता है स्पर्म के सेंट्रियोल प्रेजेंट। ठीक है, ये सेंट्रियोल जो है स्पर्म क्या करता है, जाते ही ओवम को दे देता है। ठीक है, इसी सेंट्रियोल का काम होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे न्यूक्लियस का भी काम होता है और सेंट्रियोल का भी काम होता है। ठीक, तो इसके बाद जो तीसरा पार्ट है स्पर्म का वो है मिडल पीस। मिडल पीस ये वाला इलोंगेटेड रीजन होता है स्पर्म का। मिडल पीस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइथोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइथोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, माइथोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो जो स्पर्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी वो करेगी माइथोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में माइथोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, स्पर्म को एनर्जी देने का काम करती है, क्योंकि स्पर्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, मूव करता हुआ जाता है, तो मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगी, बनाएगी, वो माइथोकॉन्ड्रिया बनाएगी। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है स्पर्म का वो है टेल रीजन। टेल रीजन ये एक्चुअल में मूवमेंट कराती है। टेल एक्चुअल में क्या करती है, टेल खुद इस तरीके से राउंड राउंड घूमती है जिससे क्या होता है, स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है। तो टेल रीजन का काम होता है मूवमेंट का। ये थी बात हमारी स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही बेस्ट डायग्राम है।